हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और एक इंसिडेंट जो कि मेरे साथ हो चुका है अभी ये रिसेंट बहुत रिसेंट है मतलब एक महीना भी नहीं हुआ इस इंसिडेंट को हुए हुए तो ऐसा हो गया गाइस किसी आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिसीज आते रहते हैं जैसे बजाज अलायंस की पॉलिसी आती है एलआईसी के बॉन्ड्स आते हैं ये हमें ही देने होते हैं ठीक है उसके बाद अभी तो वोटर आई डी भी आना शुरू हो चुका है इस बार वोटर आई डी भी हमें ही देना होगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर बात करते हैं मैंने एक गलती कर दी क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले देखिए एल आई सी का बॉन्ड आया था और उसके बाद बजाज अलायंस का भी पॉलिसी आता है तो मेरे यहाँ पे क्या हुआ कुछ दिन पहले ही लगभग पंद्रह बीस दिन पहले एक बजाज अलायंस का पॉलिसी आया था किसी अनोर हुसैन के नाम से ठीक है आप मान लीजिए मेरे गांव में जैसे कि आपने देखा होगा कि मुसलमान लोगों के बहुत ज्यादा नाम कॉमन होते हैं और यहाँ तक कि हिंदू लोगों के भी बहुत कॉमन होते हैं जैसे कि जैसे कि मेरे ही गाँव में विजय राय करके चार लोग हैं मतलब सुचि सेम नाम से सेम स्पेलिंग से ही चार लोग हैं ठीक है उनके माँ बाप आपको पता है एटीएम में बाप का नाम नहीं देते हैं ठीक है केयर ऑफ नहीं होता है मोबाइल नंबर भी नहीं होती है तो मतलब आप सोचिए किस तरीके से डिलीवरी करनी है तो यहाँ पर क्या हुआ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई क्या हो गया जो अनवर हुसैन थे मुझे पता था कि दो अनवर हुसैन मेरे यहाँ पे हैं ठीक है बट एक्चुअली में तीन थे ठीक है मुझे पता नहीं था मैंने तो सोचा कि दो लोग थे तो मैं किसी एक के घर में गया उन्होंने कहा हाँ मेरा है तो मुझे मैंने भी अप्लाई किया है शायद उन्होंने भी अप्लाई किया होगा बजाज रिलायंस पॉलिसी के लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए तो मैंने उनको दे दिया आराम से मैंने तो दे दिया उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया और काफ़ी दिन हो गया उसके बाद अचानक से एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ा और कहा कि भाई वो जो पॉलिसी तुमने दिया था वो मेरा नहीं था तो मैंने सोचा हाँ मैंने आपका नहीं था वो नहीं मेरा नहीं था तो मैंने बोला तो फिर किसका था वो, उसका था वो और एक अनवर हुसैन मैंने बोला नहीं उनको तो मैंने बात किया है ऑलरेडी तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं, मैंने तो ऑलरेडी दे दिया है उन्होंने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं है ठीक है जिस मुझे तुमने भेजा और जिसको तुम बात कर रहे हो उसके अलावा भी और एक कन्वर हुसैन है तो मैं तो मतलब शॉक डू हो गया मैंने बोला क्या फिर से और एक मतलब उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है और तो मैंने कहा तो आपने पॉलिसी का क्या किया तो देखिए कुछ लोग देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ख़राब होते हैं लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं तो उन्होंने कहा देखिए मुझे तो पता था ये मेरा नहीं है ठीक है उसके बाद बाद में मैंने खोल के दे भी देखा तो मैंने मैच किया अपने मैसेज के साथ तो यहाँ पर देखा कि ये मेरा पॉलिसी नहीं है ठीक है यहाँ पर स्पेलिंग में भी एन ए ओ ये ऐसा कोई एक लेटर का गड़बड़ था तो उन्होंने कहा ये मेरा नहीं है ठीक है बेसिकली तो इसलिए मैंने और जो अनवर थे उनको मैं पहचानता था थोड़ा बहुत उनसे मैंने बात किया वो लेके ले चले गए हैं पॉलिसी अपने जगह पे तो आप सोचिए ये एक बहुत बड़ा ब्लैंडर हो सकता था देखिए किस तरीके से आपकी जिम्मेदारी है ये एक पॉलिसी या कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आ, कस्टमर के लिए आप किसी दूसरे कस्टमर को हैंड नहीं कर सकते हो ये आपको ध्यान रखना है मेरे से गलती हो गई ठीक है बट बट मेरे अगेंस्ट में कोई कम्प्लेन नहीं हुई कुछ भी नहीं हुआ ठीक है बाद में मैंने उनको फ़ोन किया जानवर हुसैन थे उन, उनसे मैंने बात की मैंने पूछा कि सर आपको पॉलिसी मिला है कि नहीं उन्होंने कहा हाँ मिल गया है ठीक है और उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपके अगेंस्ट में कुछ नहीं कहूँगा बिकॉज यहाँ पर जो है केयर ऑफ भी नहीं था मोबाइल नंबर नहीं, नहीं था तो स्वाभाविक सी बात से आपसे गलती हो सकती है ठीक है लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए ये ध्यान रखिएगा बस उन्होंने मुझसे इतना कहा मैंने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल मैं बहुत इंपॉर्टेंटली और सावधानी से ही आपसे दूंगा तो उन्होंने बस और कुछ भी नहीं किया ना ही मेरे अगेंस्ट में कोई कम्प्लेन की ना ही कुछ किया लेकिन इन केसेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है आपकी जॉब भी जा सकती है क्योंकि आप पॉलिसी किसी और की इंपॉर्टेंट मान लीजिए किसी ने दो लाख दस लाख की समय शॉर्ट की पॉलिसी की और आपने किसी और को हैंड कर दिया उस चीज़ तो ये बहुत दिक्कत होगा तो आपको प्रॉपर तरीके से ढूंढ के निकालना होगा कि कौन इंसान है नहीं हुआ क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे ये चीजें तो ये भी एक बार हुआ है तो मेरे साथ ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पहली बार हुआ तो मैंने सोचा कि भाई अब पता नहीं क्या होगा क्योंकि मैंने पॉलिसी किसी और को दे दिया ऐसा कभी भी नहीं हुआ था अब तक ठीक है लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया ठीक है क्योंकि एक ही विलेज में ना बहुत सारे लोगों की एक नाम होता है अजय राय करके आप देखोगे चार पाँच लोग एक साथ होंगे ठीक है या फिर शिबू मतलब जितने भी नाम होते हैं नॉर्मली इन जनरल मुसलमान हो या हिंदू हो दोनों के ही बहुत ज़्यादा कॉमन नेम होते हैं तो यहाँ पर देना मुश्किल हो जाता है क्योंकि केयर ऑफ़ नहीं होती है आधे लेटर्स में तो केयर ऑफ होता ही नहीं है मोबाइल नंबर तो भूल ही जाओ वो तो छोड़ ही दो तो ये सारे नहीं होने से क्या होता है ढूंढना मुश्किल हो जाता है आप लोग भी नहीं बता पाते ये अनवर हुसैन कौन सा अनवर हुसैन है ठीक है ये वाला है वो वाला है ये वाला है और आपका दिमाग भी किसी किसी दिन बहुत गर्मी होती है जिसके कारण आपको लगता है यार इसको देख चला जाता हो किसी तरीके से काम आठ लिपटा देता तो ऐसा नहीं होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये चीजें ध्यान रखनी है ठीक है तो आपको वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आए तो जिनको लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबे सबको मिलते रहे मिलते अगली वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा तो कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा